नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सन फार्मा के शेयर के एनालिसिस के बारे में और इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सन फार्मा शेयर एनालिसिस और उसके टारगेट प्राइस के बारे में जानते हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस करते हैं। सन फार्मा की स्टॉक एनालिसिस में हम लोग जो टूल्स यूज करेंगे, 7 टाइप्स के टूल्स यूज करेंगे और उसमें 1 मंथ का व्यू देखेंगे क्या रहा बॉलिंगर बैंड्स और चार्ट के माध्यम से, 3 मंथ का व्यू देखेंगे और सन फार्मा शेयर के बारे में एनालिसिस करेंगे और निफ्टी का रिकॉर्ड क्या कहता है, शेयर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या करते हैं, वो लोग कितना टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं और शेयर प्राइस के हमारे जो टारगेट हैं और सन फार्मा का कॉल एंड पुट ऑप्शन भी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सन फार्मा का शेयर जो है वो काफ़ी चर्चा में रहता है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और कई तरह की दवाइयाँ बनाती हैं जिसमें न्यूरो साइंस, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंटोकोलॉजी, डायबिटोलॉजी, गैस्ट्रो, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिंस ऑफ सन फार्मा। तो सन फार्मा की बहुत ब्रॉड कैटेगरी की रेंज है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 1 मंथ का व्यू देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए कि 528 का अपर बैंड है, बॉलिंगर बैंड सजेस्ट कर रहा है और लोअर बैंड जो है वो 489 का सजेस्ट कर रहा है, जहाँ पे हमारा करंट प्राइस है। तो चूंकि सारे शेयर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अच्छे चले हैं, ये शेयर नहीं चला है, तो ये भी लगभग इसमें जो पोटेंशियल है लगभग 20 से 25% अपसाइड का पोटेंशियल है। RSI 38 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि ये इस समय करंटली आप ओवरसोल्ड मोड के काफ़ी करीब है, तो आप इसको बाई करके चल सकते हैं और ये शेयर डेफिनेटली ये 550-600 के लेवल बड़े आराम से छू लेगा 1 से 1.5 महीने में। तो दोस्तों इसको बाई करके चलिए करंट पे और होल्ड करिए। स्टॉप लॉस जो होगा 440 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट हमारे 550 तक के आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 3 मंथ का व्यू देखें दोस्तों, तो इसने पीक लगाया था 550 के करीब, 489 पे करंट है, तो लगभग यहाँ से भी लगभग आपको 15% का लगभग अपसाइड मूवमेंट लगभग बन रहा है। RSI 41 इंडिकेट कर रहा है कि देखिए अभी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, करंट लेवल से भी आप बाई करके चलिए इसको, तो एक अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। वॉल्यूम देखिए तो दोस्तों कैंडल अच्छी बन रही है, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट गिरा है तो इसलिए ये शेयर गिरा। तो ये शेयर सन फार्मा का शेयर दोस्तों आप बाई करके चलिए। सन फार्मा और सिप्ला दो एक ऐसे शेयर होते हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सन फार्मा शेयर का कॉल ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 500 का कॉल ऑप्शन लीजिए, लगभग ये 20 रुपए के आसपास का है। मेरा सजेशन ये है कि 500 का कॉल ऑप्शन अगर आपको 17 रुपए पे मिल जाए अक्टूबर सीरीज का, और स्टॉप लॉस आपको रखना है जो वो 11 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट लगभग 50 रुपए के आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो आपको ये 17 रुपए के आसपास बाई करना है, 11 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और लगभग आपको 50 रुपए तक के टारगेट यानी कि लगभग 300% ही आपको शेयर कर सकता है। इसके अलावा सन फार्मा का अगर आपको 520 का कॉल ऑप्शन लेना, तो ये लगभग आपको 10 रुपए के आसपास बाई करना है। स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा होगा, मेरा वो 7 रुपए का होगा स्टॉप लॉस और जो टारगेट होंगे वो लगभग 30 रुपए के आसपास होंगे। तो यहाँ पे भी 300% अपसाइड का पोटेंशियल है दोस्तों, तो ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा क्योंकि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में एक चीज जरूर देखनी होती है कि टाइम बाउंड भी होता है। तो आप 520 का कॉल ऑप्शन, 7 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए के नियर बाई खरीदिए और लगभग जो टारगेट मेरे होंगे वो 30 रुपए तक के टारगेट आने वाले दिनों में अचीव हो जाएंगे। सन फार्मा शेयर का ब्रोकरेज हाउस ने क्या रिपोर्ट दिया है, आईसीआई सिक्योरिटीज ने 617 के टारगेट दिए हैं, दौलत कैपिटल ने 607 का टारगेट दिया है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 567 का टारगेट। तो सारे ही शेयर बुलिश हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस करंट लेवल पे बाई करिए और इसमें जो है आपको 15% का 1 से 1.5 मंथ में आपको रिटर्न मिल जाएगा। स्टॉप लॉस 440 का होगा, वहाँ पर मेंटेन रखें। सन फार्मा का निफ्टी का रिकॉर्ड जो कहता है वो दोस्तों ये कहता है कि 52 वीक का लो जो है वो 312 बनाया था,
52 वीक का हाई 565 बनाया और वी वैप 490 जो कि करंट लेवल पे शो कर रहा है। डिलीवरी इज ऑल्सो गुड, रिस्क इज ऑल्सो गुड, ट्रेडेड वॉल्यूम इज ऑल्सो गुड। पी बाई ई थोड़ा सा ज़्यादा है बट बहुत अच्छी कंपनी है। इंडस्ट्री का जो पी बाई ई है प्रॉफिट टू इक्विटी रेशियो वो हमारा 33 है और सन फार्मा का 39 है। तो इसमें अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है, लगभग 10 से 15% बड़े आराम से आप 1 से 1.5 महीने में मूव देख सकते हैं। तो इस शेयर को जरूर बाई करके चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शेयर है। मेरे जो टारगेट होंगे वो 1 महीने में 530 का है और स्टॉप लॉस 440 का है, और जो 1 साल के टारगेट है वो 620 के टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 440 ही रहेगा। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है तो कृपया आप लोग जो है स्टॉप लॉस ज़्यादा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए ताकि आपको कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों ये था सन फार्मा शेयर के एनालिसिस के बारे में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये थी सन फार्मा शेयर के एनालिसिस और टारगेट प्राइस। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।